पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। आप सबको मेवाड़ का कोटि कोटि नमन और राम राम। मंत्री महोदय ने फरमाया कि मैंने सारे जरूरी काम छोड़कर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर इस बात को कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। जहाँ बात आती है धरोहर की, संस्कृति की, विरासत की, इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता था। और खास तौर पे उनका, जिनका हम लोग सब जो है इतना दिल से मन से जो है वो सम्मान करते हैं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का, जब उनकी प्रतिमा का अनावरण का कार्य हो और हम लोग यहाँ पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराएं, इससे बड़ा काम हमारे लिए हो नहीं सकता। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे जो है वो आमंत्रित किया और मुझे बुलाया। दूसरी बात जो मेरे वो भाव जो आए जब मैं यहाँ पर बैठा था और बैठा हूँ और आप सब लोगों के समक्ष हूँ, मैं एक बात बड़े मन से, बड़े दिल से जो है वो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे को यही लग रहा है कि मैं मेवाड़ के किसी कोने में बैठा हूँ, मेरे घर के प्रांगण में बैठा हूँ और अपनों के साथ में जो है वो मैं बैठा हूँ। ऐसे भाव जो है वो मुझे यहाँ पर महसूस होते हैं और कि एक घर के हिस्से के अंदर बैठा हूँ। तो ये प्यार, ये प्रेम आप लोगों ने जो दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। जब जब हम लोग वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की चर्चा करते हैं, जब जब हम लोग वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की बात करेंगे, वो अधूरी रहती है। और वो अधूरी इस वजह से रहती है कि जब जब हम लोग वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की बात करें, उनके साथ जो वो योद्धा थे, अब अन्य दूसरे योद्धाओं को तो जानते ही हैं, पर चेतक का नाम नहीं लें उस सांस के अंदर, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के साथ में भी हम लोग नाइंसाफी कर रहे होते हैं। हम लोग चेतक की तो अक्सर जो है वो बातें जो है वो की जाती है, तब मेरे को दो पंक्तियां जरूर याद आती है कि पुरखों की आन निभाना ही मेवाड़ भूमि की पूंजी है, ये वो धरती है जहाँ चेतक की टापे पूंजी है। तब मैं जो है वो कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो है, हम सब मनुष्यों की बात करते हैं, करनी चाहिए, पर हम लोगों को उन पशुओं की भी बात करनी चाहिए जिन्होंने अपने नाम को जो है वो सुनहरे अक्षरों के अंदर जो है वो दर्ज करवाया है। और इनके साथ साथ हम चेतक को तो जानते हैं, पर हम एक और योद्धा को नहीं जानते जिसका नाम है राम प्रसाद, जो उनका हाथी था, उसको हम जो है वो अक्सर भूल जाते हैं। साहब ने जो बात फरमाई बिल्कुल दुरुस्त फरमाई, क्योंकि वो हमारे को जो है वो हमारी पाठ्यक्रमों के अंदर उसको जगह नहीं मिली, इस वजह से हमको सिखाया नहीं गया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इन चीजों को जो है पाठ्यक्रमों के अंदर लिया जाएगा और आने वाली जो पीढ़ी है वो सही शिक्षा से जो है वो शिक्षित होगी। और इसके अंदर हमारे को सीखने की बात क्या मिलती है, सब हमारे को समझने की बात क्या मिलती है, हमारे को सीखना और समझना ये है, जो महाराणा प्रताप का जो हाथी था उसको कैद कर लिया गया था, वो दुश्मनों के द्वारा जो है वो पकड़ाया गया था, वो विदेशी आक्रांताओं के जो दो सैनिक थे जो पहरा दे रहे थे राम प्रसाद के जगह जहां पर उसको बंदी बना रखा था, जहां उसको कैद कर रखा था, उसके बाहर जहां पे वो खड़े हुए थे, तो वो दोनों एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे कि हमारे को 15-20 दिन हो गए इस हाथी के इस सामने हम लोग खड़े हुए हैं और हम लोग इसको खिलाने पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये खा पी नहीं रहा है कुछ, हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि वहां की अगर पशुओं में इतनी वफा है तो वहां के इंसानों के बारे में, तो अगर हम इनके पशुओं को गुलाम नहीं बना सके तो वहां के मनुष्य को क्या हम गुलाम बनाएंगे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की बात ही हम लोग क्या करें, उनको हम लोग क्या पकड़ेंगे, मेवाड़ को हम लोग क्या गुलाम बनाएंगे जब हम पशुओं को गुलाम नहीं बना पा रहे। ऐसी संस्कृति से जो है हम लोग आते हैं, ऐसी धरोहर से हम लोग आते हैं, ऐसी विरासत से जो है हम लोग आते हैं, ये हमारे को सीखने और समझने की जो है वो आवश्यकता। आज की तारीख में हमारी यहाँ पर भावी पीढ़ी बैठी है, महिला शक्ति, मातृ शक्ति यहाँ पर जो है हमारे सामने जो है वो उपस्थित है। आज की तारीख में अगर हमारे को कुछ सीखने और सिखाने की अगर आवश्यकता है तो हमारे को ये सिखाने की आवश्यकता है कि हमारी संस्कृति कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आज हम लोग हमारी संस्कृति के बारे में नहीं जानेंगे, हम लोग हमारे इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे, तो हम लोग हमारे भविष्य को कभी भी उज्ज्वल नहीं बना सकेंगे। इस वजह से आज की तारीख में हमारे को हमारी आज हम लोग सब जो है वो व्हाट्सएप के प्रति और इन चीजों फेसबुक के प्रति जो है हम लोग आकर्षित हो जाते हैं, होना चाहिए। आज की 21वीं सदी का एक युग है, पर एक दौर वो भी था जब सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी, फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। आज आप लोग जो है वो मोबाइल को और लैपटॉप को चेहरे पे रख के सो नहीं सकते, किताबों को चेहरे पे रख के सोया जा सकता है।
आज की तारीख में अगर आने वाली भावी पीढ़ी जो है उनको अगर जरूरत है किसी चीज की, तो इतिहास की जरूरत है, किताबों की जरूरत है जिससे हम लोग पढ़ें। इसमें कोई शक की बात नहीं कि 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की है, तो 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की होगी। और उसका रास्ता और कहीं से नहीं, शिक्षा से होके गुजरता है। आज की तारीख में किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ना हो, किसी भी देश को आगे अगर बढ़ना हो, तो शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। इंसान जो है इस दुनिया की पहली इकाई है। इंसान से घर बनता है, घर से गली बनती है, गली से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है, और देश से दुनिया बनती है। आज हम लोगों को कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति जो है वापस बद होने की आवश्यकता है। सही संस्कृति को हम लोगों को जो है वो अपनाने की जो है हम लोगों को आवश्यकता है। आज मैं ये जरूर कहूंगा कि यहाँ पर जो लोग मेरे सामने उपस्थित हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जिन लोगों का दायित्व था यहाँ पर प्रतिमा को लगवाने का, उन्होंने उनका काम पूरी तरीके से किया। अब जिम्मेदारी आप सब लोगों की है जो यहाँ पर मौजूद है। जब जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, साहब ने मंत्री महोदय ने जो बात फरमाई बिल्कुल दुरुस्त फरमाई कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जो है वो एक विचार, आज की तारीख में उस विचार को हमारे को हमारे रोजमर्रे के जीवन के अंदर उतारने की आवश्यकता है। आज हम लोग समाज को वापस क्या दे सकते हैं कि हम लोग वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के गुणों को हमारे जिंदगी के अंदर उतारे। आज प्रतिमा लगाने का महत्व क्या, आज प्रतिमा को लगाने का आज हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यह है कि आने वाली भावी पीढ़ी जो है जब जब इस प्रतिमा को देखेगी वो प्रेरित होगी, वो आगे बढ़ने का काम करेगी, इस देश के निर्माण के लिए जो है वो काम करेगी। तब मैं इस दो पंक्तियों को कहता हूँ कि आंधी तूफानों में मेवाड़ ने कभी रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहाँ लड़ा करते हैं, और मेवाड़ ने कभी टिकना नहीं सीखा। अन्य और दूसरे लोग थे जिन्होंने समझौता करने के लिए सोचा कि हाँ वो बहुत ही आसान काम है, समझौता कर लिया, लोगों के साथ में हाथ मिला लिए, अपनी आत्माओं का सौदा कर लिया। आज की तारीख में जब मैं छाती ठोक कर इस बात को कहता हूँ कि मेवाड़ का सबसे बड़ा गहना अगर कुछ है तो मेवाड़ का स्वाभिमान सबसे बड़ा अपना गहना है, क्योंकि उसने कभी भी अपने स्वाभिमान को फूटे पे टांग कर और विदेशी आक्रांताओं के साथ में एक समझौता करने का जो है कभी भी अपने ख्याल कभी ऐसे नहीं बनाए कि हम लोग इनके अधीन हो जाते हैं या हमारी बहन बेटियों को जो है वो इनके साथ में रिश्ता कर देते हैं, क्योंकि ये कभी भी मेवाड़ की परंपराओं में कभी भी नहीं रहा। अगर ये रहा कि हम हमारा सर गंवाना पसंद करेंगे पर हमारे स्वाभिमान को खोना पसंद नहीं करेंगे। अंत में मैं सिर्फ दो बातें कहता हूँ, दो पंक्तियों को कहकर अपनी बात को मैं विराम देता हूँ कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने बदन मांग लिया। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी, फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने बड़ा बम खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए।